यहाँ से सर यहाँ पे सर थैंक यू सर। वंदित मातरम। भारत माता हमारे लिए स्त्री शक्ति का ही प्रतीक है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए भारत माता को वंदन करकर आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। का पथ दिखलाती रामायण गीता हो तुम, स्नेह प्रेम करुणा का सागर ममता की गागर हो तुम। नारी माना तुझमें कितने गम है, नारी माना तुझ में कितने गम है, ना तू पुरुषों जैसी है लेकिन ना पुरुषों से कम है, सृष्टि का तुझ में उद्गम है। करते हुए आप सभी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और खुद वुमेन एम्पावरमेंट का एक अपने आप में उदाहरण है, एक प्रतीक है, निदर्शना भुवानी जी। आज का जो दिन है महिला दिवस, ये बहुत ही मतलब इस दिन को बनाने के लिए जिसने भी बनाया है बहुत सोच के बनाया कि औरत को जिस तरह की ताकत मिलना चाहिए वो अब मैं देख सकती हूँ। इतने सालों में हम सिर्फ घर में थे, एक बीवी थे, बच्चे थे, बहू थे, बेटी थे, आज आके देखती हूँ तो मैं इतनी सारी अलग अलग स्त्रियों को देखती हूँ जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं सच्ची बहुत प्राउड फील करती हूँ आपको देख के। जिस तरह से आप सोशल वर्क कर रहे हैं, कोई मीडिया में है, किसी ने सीरियल्स बनाए हैं, कोई क्लासिकल सिंगर है, कोई डांसर है, कोई आईपीएस है, आईएएस है, ये एक बेटी कर सकती है और आपने सबने इस चीज़ को साबित किया है कि हम घर ही नहीं देख सकते हैं, हर क्षेत्र में हम पूरी तरह से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, हैप्पी वुमेंस डे आप सबको और हम अपना प्रोग्राम आगे शुरू करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद प्रमोशना जी। और इसके पहले कि हम आगे बढ़े हमारे फेलिसिटेशन की ओर, इससे पहले आइए हमारे ट्रस्ट के बारे में कुछ जानते हैं, देखते हैं ये एबी। बहुत बहुत अभिनंदन सीमा तपारिया जी।
आमंत्रित करना चाहूंगी जसप्रीत महासिंह जी को। जसप्रीत एक बहुत ही गरिमामय फेस है, अपने कला के माध्यम से भी समाज से जुड़ने की हमेशा कोशिश करती है। श्वेताली ठाकरे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, प्रकृति के रक्षा के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स में काम कर रही थी श्वेताली ठाकरे जी। कोविड-19 के दौरान नीति जी ने जो काम किया है, खास करके सोनू सूद जी के साथ, जो मजदूर भाई हमारे यहाँ से अपने घर वापस जा रहे हैं, का काम हम सभी जानते हैं। डॉक्टर रेशमा पै जी के बाद आमंत्रित करना चाहूँगी, कई सारी सोशल एक्टिविटीज से जुड़ी जातिवादी सामाजिक कार्यकर्ता विलफर कोहली। इसके बाद आमंत्रित करना चाहूँगी, thank you, happy women's day to you also. I am thankful and I am honored to get this award, but I feel ek din kafi nahi hai hamare liye, we need to celebrate every day because of our existence everything else exists, so I am proud to be a woman. Aaj ye award aapke liye kitna maayne rakhta hai, jis tarah se ye hamare government ne I feel really honored to receive this award, but as I said, ek din hi kyun, we need, every day we should be celebrated our existence. Women's empowerment ke liye kya kuch bolna chahenge aap? I think ab wo time aa gaya that women are very empowered, they have understood their importance and they know that because of their existence everything else exists, they value themselves and they have that confidence. We are moving towards that stage where I don't think women will ever feel weak again. Aur agar in future agar women ke liye kuch karna chahe to kya kuch karna chahenge aap? I have always had a thought to help girl child, you know, to help achieve their goals, help them in education, and in future I am definitely going to do something towards it. Thank you. Okay, thank you. Ek visual de do.